हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इनिशिया बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉस पांच कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड। बात करें तो काफ़ी बड़ी कंपनीज है और काफ़ी रेपुटेड है और अच्छी खासी कंपनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है जिसके रिजल्ट अभी तक आए नहीं, और जैसे ही आएंगे या तो आज वरना कल की डेट में जब सैटरडे है उनसे रिलेटेड भी बातें करेंगे। जैसे कि बात करें हम बालकृष्ण इंडस्ट्री, ओके, जस्ट डायल, केशवराम इंडस्ट्री, माइंड स्पेस, बिजनेस पार्क, ओबरा रियलिटी एंड रोजरी बायोटेक, इसके रिजल्ट अभी तक आए नहीं है, अदरवाइज मैं उन्हें भी आपको बताता। बट कुछ कंपनी के रिजल्ट आ गए हैं तो उनसे रिलेटेड हम बातें करेंगे, और तो वो पांच कंपनी काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी फायदे मतलब उसमें हमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, या फिर हमारा हमें अगर इन्वेस्टेड है तो क्या इन्वेस्टेड रहना चाहिए, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इनिशिया बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करें, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए आपको जो भी वीडियो अच्छी लगी हो, और दूसरों को भी शेयर करें। और नीचे आज की डेट में अगर बात करें तो यहाँ पर एक डिविडेंड बायबैक अनाउंस हुआ है, उससे रिलेटेड वीडियो देख लीजिए, क्योंकि 20% अप में वहाँ पर प्रीमियम पे बायबैक अनाउंस हुआ है। रिकॉर्ड डेट वगैरह सब चीज़ मैंने आपको बताई है तो उसे देख लीजिएगा। हैप्पी माइंड से रिलेटेड वीडियो आई है, क्या एक अपॉर्चुनिटी है या हमें बेच ले देना चाहिए, इससे रिलेटेड आप वीडियो है तो इसे आप डेफिनेटली देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। एस्कॉर्ट के नंबर बहुत बेहतरीन, जैसे कि न्यूज़ में हमने देखा था आते हुए दिखाई दिए थे, बट स्टिल हम एक बार रिव्यू करेंगे और देखेंगे। अगर बात करते हैं डिविडेंड की, तो नॉर्मल फाइनल डिविडेंड दिया है 50% का, मतलब ₹5 का यहाँ डिविडेंड देती हुई कंपनी नजर आई है। इसके अलावा स्पेशल डिविडेंड भी आई थिंक कंपनी ने दिया है, तो वो कितना दिया है, वो ₹2.50 का। अगर ओवरऑल बातें करें तो ₹7.50 का कंपनी ने डिविडेंड देती हुई हमें नजर आई है। ओके, ऑन और बिफोर रिकॉर्ड डेट ऑफ द अनाउंस ऑफ पर्पज अदर देन, मतलब इसकी रिकॉर्ड डेट अभी आई नहीं है, जैसी रिकॉर्ड डेट आएगी तो आप उससे अगर बात करें एक्स डेट और एक्स डेट से पहले अगर आप खरीद लेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा, बट इसके पीछे आपको भागना नहीं होता। अगर बात करें यहाँ पर रिजल्ट हमें देखने होते हैं, कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना पड़ता है। बाकी वो डिविडेंड जो आता है वो एडजस्टमेंट बाद में हो ही जाता है, ऊपर नीचे होके नीचे आ जाता है शेयर। तो इस तरीके से अगर बात करें इन करोड्स में नंबर है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस बार के नंबर है, ये लास्ट क्वार्टर के नंबर है, ये लास्ट Q4 के नंबर है। अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, तो 2270 करोड़ रुपये की यहाँ पर टोटल इनकम इस बार हुई है, 2090 करोड़ की इससे पहले थी, 1415 करोड़ रुपए की इससे पहले यहां पर इनकम होती हुई हमें नजर आई थी। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस में यहां पर अच्छी खासी जंप होती हुई नजर आई है। इसके अलावा हम एक्सपेंस की बात कर लेते तो इस बार 1919 करोड़ रुपए की एक्सपेंस होते हुए नजर आया, जो कि बहुत ज्यादा लग रहे हैं। इसके अलावा बात करें 1715 करोड़ के इससे पहले थे, और 1235 करोड़ के एक्सपेंस इससे पहले थे। तो एक्सपेंस क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। और बात कर लेते हैं यहां पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि नेट प्रॉफिट है, तो 285 अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ नहीं सॉरी 265 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर इस बार का प्रॉफिट है, इससे पहले 286 था, और इससे पहले बात करें तो 127। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा, अगर बात करें लगभग दुगने से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट करते दिखाया, बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आई है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस। ओके, एंड यहाँ पर अगर टैक्स की बात करें तो शायद हाँ टैक्स तो ज़्यादा नहीं लगा है, बट स्टिल यहाँ पर थोड़ा पिछड़ती हुई कंपनी नजर आई है क्वार्टरली बेसिस पर। बट कोई नहीं, आप इसमें बने रह सकते हैं, और एक EPS से हमें आइडिया लग जाएगा। तो EPS की बात करें तो 27 रुपये का EPS है इस बार, इससे पहले 29 का था, इससे पहले 14 था। देखिए तो मतलब दुगना EPS होता हुआ हमें ईयरली बेसिस पर नजर आ रहा है। तो कंपनी ने रिजल्ट ईयरली बेसिस पर काफ़ी अच्छे परफॉर्म किया है, एज वेल एज अभी सीजन आ रहा है फार्मिंग का, तो ये इनके शेयर और मतलब इनका प्राइस भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आई थिंक और भी ज्यादा एस्कॉर्ट आपको पता है ट्रैक्टर्स में डील करता है, तो और भी ट्रैक्टर्स के अलावा ही बहुत सारे बिजनेस है। एक बार इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, ओके, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये रेलवे से रिलेटेड भी इक्विपमेंट तैयार करते हैं। तो एस्कॉर्ट के साथ आप बने रह सकते हैं, अच्छे बिजनेस है, बाकी कुछ टाइम के लिए शायद कंसोलिडेट कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें डॉक्टर रेड्डी, तो डॉक्टर रेड्डी का भी रिजल्ट आते हुए नजर आए हैं। बात करें डिविडेंड की, तो आई थिंक इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो हमें देखना, हाँ यहाँ पर फाइनल डिविडेंड कंपनी ने देता हुआ नजर आया है। तो कितने रुपए का, ₹25 का डिविडेंड कंपनी ने दिया है, 5 के फेस वैल्यू पे है। तो यहाँ पर भी एक मीटिंग होगी, वो फाइनल डिविडेंड है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा लॉन्ग ले सकता है, थोड़ा टाइम ले सकता है। इसके अलावा अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट इन मिलियंस है, ओके, एंड अगर हम बात करते हैं ये इस बार के रिजल्ट है, ये लास्ट क्वार्टर के Q4 के, तो हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रॉस, सॉरी एक बार नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, आई थिंक ये
सेगमेंट वाइज, एक मिनट दीजिएगा, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रिजल्ट, यहाँ पर शायद नीचे और दे रखा होगा बाइफर्केशन करके। तो देखिए यहाँ पर ये आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा। ओके, इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है। तो अगर हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके, और अदर इनकम सब कुछ मिला के हम टोटल इनकम देखते हैं, तो 48508 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर इनकम है। इससे पहले 50,000 करोड़ थी, इससे पहले 45। तो ईयरली बेसिस पर तो यहाँ पर जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट नज़र आ रही है, फ्लैट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के जो रिजल्ट है, अगर एक्सपेंस भी यहाँ पर देखते हैं, तो एक्सपेंस इस बार 40,000 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर खर्च होते हुए नज़र आए। इससे पहले 47 था, जो कि काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा था। इससे पहले अगर बात करें 37,968। तो अगर बात करते हैं ईयरली और क्वार्टरली बेस पे, तो ईयरली बेस पे यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ते हुए नज़र आया, बट क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस घटते हुए नज़र आया, जो कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर अगर इनकम की बात करें। तो इसके अलावा हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द एसोसिएशन। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट इस बार कितना हुआ है, 5,573 मिलियन रुपीज़। इससे पहले 279 था, इससे पहले बात करें 7,855 7,811। तो ईयरली बेस पर तो यहाँ पर थोड़ी गिरावट हो रही है, बट अगर क्वार्टरली बेस की बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पर जंप साफ नज़र आ रही है। तो आप इस कंपनी के साथ बने रह सकते हो। डॉक्टर रेड्डी की आपको पता ही है कि स्पुतनिक वी नेक्स्ट वीक से मार्केट में आती हुई नज़र आएगी, या फिर जून में आई थिंक यहाँ पर टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा, तो कोविड के केसेस भी नीचे आने शुरू हो जाएंगे और इस कंपनी को और ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। और नेक्स्ट क्वार्टर में जब ये रिजल्ट पेश करेगी तो आई थिंक इसका 700 रुपीज़ का पर डोज के हिसाब से यहाँ पर टीका लगेगा, इंजेक्शन लगेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे तो वो बेहतरीन रिजल्ट आते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इस कंपनी के साथ बने रहिए, बाकी कंसोलिडेट करती है, गिरती है तो थोड़ा आप उसे खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पर ईपीएस लास्ट Q4 में 47 था, इस बार 33 है। और क्वार्टरली बात करें तो एक रुपये का ईपीएस आज के डेट में 33 रुपये के ईपीएस पर चेंज हो गया। तो कंपनी ने एक क्वार्टरली बेसिस पर अच्छा परफॉर्म किया है, और इसके पीछे का रीज़न सिंपल है, एक्सपेंसिस एक तो एक्सपेंस और एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर एक्सपेंस ही ज़्यादा होते हुए यहाँ पर नजर आए थे, और बाकी टैक्स भी आई थिंक यहाँ पर ज़्यादा पे किया है। तो यही सब रीज़न था, बाकी और कुछ रीज़न नहीं है। डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट ठीक ठाक है, तो आप इस कंपनी के साथ बने रह सकते हैं। स्पेशल डिविडेंड भी दिया है, एज वेल एज आपको नॉर्मल डिविडेंड भी कंपनी देती हुई नज़र आई है। इसके अलावा अगर बात करते हैं ग्रीन पैनल की, तो ये कंपनी इससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, तो इस कंपनी ने आई डोंट थिंक सो कि कोई डिविडेंड दिया है, जो कि अभी हम यहाँ पर दिख भी नहीं रहा। अगर दे रखा होगा तो आप एक बार NSE की साइट पर भी चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, एक बार इसके रिजल्ट देख लेते हैं जो कि आपके सामने है। तो अगर हम बात करते हैं इनकम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम टोटल इनकम 39,000 लाख रुपीज़। इससे पहले 31 था, इससे पहले 23। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है ग्रीन पैनल। एज वेल एज बात करें एक्सपेंसेस की, तो कंपनी के एक्सपेंस भी उसी तरीके से होते हुए नजर आया, 30,342 लाख रुपीज़। इससे पहले 27,000, इससे पहले 22,654 लाख रुपीज़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंस हुए थे। तो अगर बात करें क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पर एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आए हैं, बट अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर मतलब NPAT की बात कर लेती है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 57,87 87 87। तो लैक्सिन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, इससे पहले 34,30 था, इससे पहले 668 लैक्सिन रुपीज़। तो अगर बात करें क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी ने अच्छा कौसा परफॉर्म करके दिखाया, तो इस कंपनी को अपने रडार पे रखना। ग्रीन पैनल आई थिंक जैसे सेंचुरी प्लाई बनाती है वो प्राइस से रिलेटेड, तो इसी चीज़ से रिलेटेड इनका बिजनेस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं था, हम यहाँ पर रिजल्ट सिंपल देखे थे। तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे, तो आप इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पर चेक करिए एक बार। इससे रिलेटेड अलग से एक वीडियो हम डेफिनेटली बनाएंगे, और तब और बात करेंगे इससे बिजनेस मॉडल टेक्निकल और सब चीज़ से रिलेटेड एक बार बात करके हम देखेंगे। अगर बात करते हैं बेसिक इसके EPS की, तो यहाँ पर देख लीजिए 4.72 रुपीज़, इससे पहले 2.8 था, जो कि डबल होते हुए नजर आ रहा है। और क्वार्टरली सॉरी ईयरली बेस की बात करें तो 55 पैसे का EPS 4.72 रुपये के EPS में तब्दील हो गया, लगभग 8 टाइम्स यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। तो इस कंपनी की तरफ बने रह सकते हैं, इस कंपनी का नाम है ग्रीन पैनल। ओके, एंड अगर बात करते हैं और लोधा, तो लोधा का भी अभी ही मार्केट में जो शेयर है लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था, IPO अभी आया था इसका। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आई डोंट थिंक सो यहाँ पर कोई डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है,
बट इसके रिजल्ट देखने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुंबई में ये काफ़ी फेमस है, महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है, एज वेल एज अगर बात करें काफ़ी ब्रांड नेम भी है और काफ़ी लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट भी किया हुआ है। अगर बात करते हैं इन लक्स में ये सारी डिटेल्स है, तो अगर बात कर लेते हैं तो टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम अभी 2,61,116, ओके मतलब 2,61,116 लाख इन रुपीज़ का अभी टोटल इनकम हुई है। इससे पहले 159 था, इससे पहले 3,20,363, मतलब ईयरली बेसिस पे काफ़ी गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर अच्छी खासी जंप है, तो वो सब कुछ आपको देखना होगा। टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो 2,05,690 के आसपास यहाँ पर टोटल एक्सपेंस इस बार है, इससे पहले बात करें तो 1,32,541 था, इससे पहले बात करें 3,15,225, तो वही एक्सपेंस भी उसी हिसाब से खर्च, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे तो यहाँ जंप है बट ईयरली बेसिस पे गिरावट है, तो एक्सपेंस भी उसी हिसाब से होते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ एक्सेप्शन आइटम्स वगैरह को कोई इस बार कोई लफड़ा नहीं है। एज वेल एज अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, तो इस बार का जो प्रॉफिट है 31,219 लाख रुपीज़ का है, इससे पहले 23,169 लाख का था, इससे पहले बात करें 23,844, तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कंपनी ने यहाँ पर अपने आप को प्रूव कर दिया है कि अच्छा खासा इन्होंने रिजल्ट पेश किया है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सेस, लास्ट टाइम यहाँ पर Q4 की बात करते हैं टैक्स ज़्यादा देते हुए नजर आया था, यहाँ पर टैक्स इस बार पे नहीं किया है इस वजह से। बाकी यहाँ पर अगर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर गिरावट है, तो इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है कि कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर अच्छे खासे पेश हो गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सेस ये सब चीज़ होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर बेसिक अगर बात करते हैं यहाँ पर EPS की, 7.84 रुपये का EPS है, इससे पहले 5.74 रुपये का था, इससे पहले 3.33 रुपये, तो EPS भी बढ़ता हुआ हमें नज़र आया है। तो इसी वजह से तो सब चीज़ का देख के कि कंपनी ने किस तरीके प्रॉफिट जनरेट किया और क्या रीज़न है, उसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। बाकी गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पर सबसे इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी और अच्छी मानी जाती है एज़ पर इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर ये सब चीज़ पैरामीटर को आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लार्सन एंड टूब्रो, इसके रिजल्ट आते हुए हमें नज़र आए अगर बात करें लार्सन एंड टूब्रो राइट, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं ईपी यहाँ पर डिविडेंड दिया है कंपनी ने, तो हाँ यहाँ पर कुछ डिविडेंड देते हुए कंपनी शायद नज़र नहीं आई है, या हो भी सकता है, एक बार आप चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर बात करें तो यहाँ पर करोड़ों रुपीज़ में ही यहाँ पर रिजल्ट पेश होंगे। टोटल इनकम की बात करते हैं तो इस बार 30,428 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम हुई है, इससे पहले 20,747 था, इससे पहले 28,054 करोड़ के यहाँ पर टोटल इनकम होती हुई नजर आई थी, जो कि क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा है, और क्वार्टरली बेसिस पे तो खासकर काफ़ी अच्छा है। अगर बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की, तो इस बार एक्सपेंस 26,952 करोड़ के यहाँ पर हुए, इससे पहले 18,564 करोड़ के थे, इससे पहले बात करें 25,450 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस होते हुए नजर आए थे, जो कि ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे जंप यहाँ पर नजर आ रही है। इसका इफेक्ट यहाँ पर प्रॉफिट में भी होता हुआ दिखाएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर NPAT नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ काटने हैं फ्रॉम कंटिन्यूइंग, यहाँ पर आप देख लीजिए कंटिन्यूइंग ऑपरेटिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑपरेटर, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया है वो आया है 2,441 करोड़ रुपए का, इससे पहले 1,872 करोड़ रुपए का था, इससे पहले 2,254, तो कंपनी ने अपने आप को प्रूव कर दिया। देखिए लो बीटा काउंटर है तो स्लो स्लो चलता है, बट अच्छे खासे अपने रिजल्ट पेश करता है, रिजल्ट भी पेश करता है काफ़ी, और बोनस भी दिया है इस कंपनी ने। और अगर ये उन लोगों के लिए है कि आपका पैसा पड़ा है डाल दो और भूल जाओ, आपको लॉस नहीं होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट ही होगा। ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, क्वार्टरली बेसिस पे भी प्रॉफिट हुआ है, तो इस रेट को आप देख सकते हैं। EPS में भी ये चीज़ साफ दिल झलकती हुई नजर आएगी। 17.57 रुपये का EPS इस बार का है, 12.14 रुपये का लास्ट Q3 का था, Q4 की लास्ट ईयर की बात करें तो 15 रुपये का EPS था, तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा जंप कंपनी ने दिखाया है और अपने आप को प्रूव कर दिया है दैट आई एम द विनर ऑफ द लाइक आई एम इन द रेस। तो अगर बात करें यहाँ पर डिविडेंड, हाँ यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने दिया है, 18 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड देता हुए कंपनी नजर आई है, और इसके अलावा इन एडिशन ऑफ द स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है 18 रुपीज़ का, तो आई थिंक 36 रुपीज़ का कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड दिया है। एक बार रिकॉर्ड डेट वगैरह यहाँ पर चेक कर लेना है, फाइनल डिविडेंड है शायद लेट ही आएगा, सब चीज़ प्रोसेस होता है इनका, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। बाकी कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो अगर बात करें हम अच्छे रिजल्ट में तो लार्सन टूब्रो के रिजल्ट अच्छे हैं, इसके अलावा
मैक्रोटेक के भी रिजल्ट अच्छे हैं, बट इसमें यहाँ पर टैक्सेस कम है, इस वजह से यहाँ पर रिजल्ट अच्छे आते हुए नजर आए हैं। एज वेल एज ग्रीन पैनल, इस कंपनी को रिडार में रखना, ये कंपनी आपको मंडे को भागते हुए नजर आ सकती है। एज वेल एज अगर हम बात करें डॉक्टर रेड्डी, इसके भी रिजल्ट ठीक ठाक है, अच्छे खासे हैं। और अगर बात करें एस्कॉर्ट, इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। तो सारी कंपनी के रिजल्ट का खासकर अच्छे आए हैं, बट आप ग्रीन पैनल, एस्कॉर्ट एज वेल एज L&T इन कंपनियों को अपने रिडार पर रखना। बाकी बंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिएगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एज वेल एज खुद की स्टडी करना डेफिनेटली बिल्कुल मत भूलिए। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बजाज को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास मिलती रहे, और दूसरे लोगों को कनेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।